अली जैस्मीन से हुए नाराज, मम्मी पापा ने नहीं किया अली का जिक्र। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में फैमिली वीक के दौरान जैस्मीन से मिलने जैस्मीन के मम्मी पापा आए थे। जैस्मीन के माता पिता ने जैस्मीन को बिग बॉस के घर में इंडिविजुअल गेम खेलने की सलाह दी और कहा कि झुंड में ना खेलो, और जैसे बिग बॉस के घर में गई थी वैसे ही बाहर आना। वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन के मम्मी पापा ने एक बार भी अली का जिक्र नहीं किया, और यही बात कहीं न कहीं अली के मन में अखर रही है, क्योंकि अली की बहन ने जैस्मीन का जिक्र किया था और जैस्मीन के परिवार की तरफ से अली के बारे में कोई बात नहीं की गई। इसी बात को लेकर अली जैस्मीन से नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं बिग बॉस के घर से जारी हुए एक अनसीन वीडियो में दिखा कि राहुल वैद्य जैस्मीन को समझा रहे हैं कि वो फिलहाल अली से इस विषय पर बात ना करें, एक दो दिन में खुद ब खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि जैस्मीन राहुल वैद्य को ये बताती नजर आई कि मेरे मम्मी पापा ने भले ही उनका जिक्र ना किया हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा अली के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। और अगर मम्मी पापा ने सोलो गेम खेलने के लिए कहा है और झुंड से दूर रहने के लिए कहा है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बीते हफ्ते जो भी मैंने किया वो झुंड में किया और उसी वजह से मैं नॉमिनेट हुई हूँ, और वो नहीं चाहते कि मैं इसी तरह नॉमिनेट होकर घर से बेघर हो जाऊं, इसीलिए उन्होंने मुझसे सोलो गेम खेलने के लिए कहा है, और उनकी इस बात का अली से कोई लेना देना नहीं है। राहुल वैद्य ने एक बार फिर जैस्मीन को यही समझाया कि अभी इस वक्त वो इस विषय पर अली से बात ना करें, एक दो दिन बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि वो अली और जैस्मीन जो फिलहाल बिग बॉस के घर में शादी तक की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनके बीच में जैस्मीन के मम्मी पापा की बिहेवियर की वजह से दूरियां बनने लगेंगी। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।